Assalamu alaikum viewers and welcome to another very exciting episode of Take Off. Viewers, Uzair gave us a chote se apne papers dene ke liye, and now that he's back, he's going to be with us for the rest of the shows. Yes, I'm sure viewers aap log bilkul theek thaak honge and you guys enjoyed the show jo ke Fatma ne kiye the. Aur hamesha ke format ke mutabik aaj we have a very two talented youngsters from Pakistan. And I'm excited because Fatma, one of them is a world record holder. That is very true. Hamari jo sitara jo hamare sath maujood hain, unhone jo hai wo O levels ke papers clear kiye. Viewers, thoda sa aapko batate chale, aur abhi A levels ke papers bhi de chuki hain. Aaye jab wo aayengi to hum unse aur bhi baatein karenge. Aur mere khayal se jo hamare singer hain, wo bhi unke talent se to bilkul hai nahi. I was, you know, actually listening to his songs and I was so, it was actually a treat to the ears. That's all that I can say about him. One thing viewers I'd like to mention, Fatma, main aapko ek baat bataun, he's not only a singer, he's a hope as well. Why? Because viewers, jab aap log bhi milenge aur Fatma aap tum se mil bhi chuki hain, aap andaaza lagao, thoda sa he stammers a little, but when he sings, it's a surprise. It's a pleasant surprise. That is very true. Take off. जी व्यूअर्स, हमारे साथ दोनों हमारे गेस्ट मौजूद हैं, और जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा हमने शो के शुरू में बताया कि हमारी जो एक छोटी सी गेस्ट है हमारे साथ सितारा ब्रूज, उन्होंने किए जी ओ लेवल्स क्लियर कर चुकी हैं और उसके बाद अपने जो ए लेवल्स के पेपर्स हैं वो भी दे चुकी हैं, और इंशाल्लाह उसके अंदर से भी है. वो कहते हैं ना कि एक बड़ी टिपिकल हम स्टेटमेंट बोलते होते हैं, इम्तियाजी नंबरों में पास हो जाएंगे. क्या ख्याल है? यस एंड्रयू, जो हमारे पास दूसरे गेस्ट हैं म्यूजिक से जिनका ताल्लुक है, उनका नाम है हारून, ही बिलोंग्स टू अ बैंड एज वेल जिसका नाम है खुमार. तो सितारा, थोड़ा सा बताओ कि जो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी कि आप ग्रेड टू में थी या ग्रेड थ्री में थी, और उसके बाद यू गेव योर ओ लेवल्स एग्जाम्स, व्हाट हैपेंड? एक्चुअली आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री एंड आई वाज लाइक वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग. सो देन आई थॉट दैट व्हाई नॉट डू, आई कैन डू समथिंग बेटर. सो आई वाज इन ग्रेड थ्री एंड आई जस्ट कवर्ड दिस सिलेबस इन अ ईयर इन अ डे और सो. Wow. So I wanted to do something better. Then I gave my O levels in chemistry at the age of 9, and by the grace of God I cleared it, and then I moved on and completed by the age of 11. Wow. अच्छा, जा रहे थे आप इंग्लैंड और हमने आपको यहाँ पे बुला लिया शो के ऊपर, तो पहले तो ये बताए ना कि इरादे कुछ आपके तितर बितर तो नहीं करवा दिए हमने? पहले तो मेरा प्लान था कि मैं लाइक एक महीने के लिए आया था, ठीक है, तो मैं मतलब इसी टाइम पे वापस चला जाऊँ. बड़ा बड़ा आपको पता है पाकिस्तान इज अ होम कंट्री, लाइक यहाँ पे सारे पुराने फ्रेंड्स वगैरह, एंड आई वाज लाइक यार एक वीक मेरे को और चैन मिल जाए ना, फिर सही है. तो फिर मैंने सीट आई करवा लिया. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे तो बड़ी एक हेक्टिक सी रूटीन होती है ना, लोगों से वहाँ पे बात करें, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा वो कहना चाहिए ना प्रेशर में होते हैं, और प्रेशर स्टडी का जो प्रेशर होता है वहाँ पे तो बहुत डिफरेंट होता है पाकिस्तान के प्रेशर से, तो उसके अंदर म्यूजिक को मैनेज करना बस ऐसे है कि लाइक मेरा जो बैंड जो मेंबर था इरफान शाह, लाइक वहाँ भी ऐसे होता है कि हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता ही नहीं कि पूरा वीक होती है, आपको कॉलेज जाना पड़ता है, वहाँ वीक में दो दिन क्लासेस होती हैं. हाँ जी, बट वो हार्ड होता है कि आप सुबह 9 बजे जाते हैं और आप शाम को 6 बजे आते हैं. हाँ जी, तो अगर उन दो दिनों में कॉलेज जाना पड़ता है, उसके अलावा जो प्रॉब्ली 3-4 बाकी दिन होते हैं. अच्छा सितारा, आप मुझे ये बताओ यार कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, ठीक है, और आपको व्हाट डू यू एंजॉय? आई लाइक reading books, okay, and writing them myself, okay, great, sometimes painting and watching TV and watching TV. Do you watch cartoons? Yeah. Which is your favorite cartoon? Anything that I can find that they can take my mind off studies or whatever. Yeah. अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं अब म्यूजिक से जो है वो बात हो रही है, वैसे तो ज्यादातर म्यूजिकल टेक्निकल क्वेश्चंस जो है ना वो सो कॉल्ड उज़ैर ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक तो मुझे बताएं कि अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया वीडियो जो है वो आपकी रिसेंटली लॉन्च हुई, माशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, तो दैट इज रियली वंडरफुल, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? उसकी जो है मतलब कोई ऐसा खास नहीं है, पर मैं जब बेसिकली मतलब आतिफ का काफ़ी सुनता हूँ, और लाइक उसके अलावा उस्ताद नुसीब अली खान का मैं लाइक बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं आपसे यहाँ पे एक बार जो शेयर करूँगा कि लाइक मैंने किसी का पढ़ा था, और जो मैं पर्सनली बात फील करता हूँ कि जब वो लाइक मतलब गाते थे ना, तो लाइक मतलब उनकी आंखें लाइक जब बंद होती थी, एंड मैं से जो वो गा रहे हैं वो लाइक यानी कि हवा में जाना मतलब ऐसे ऐसे कह के, और मेरे को लगता था कि जो वो गा रहे हैं वो कुछ यानी कि हवा में कुछ उसकी पेंटिंग चल रहा है, ही इज इमेजिनिंग बिकॉज़ प्रोबब्ली ही वाज सो मच इनटू इट व्हाट ही वाज डूइंग, राइट? और बस ऐसे देख देख के फिर लाइक एक दिन था, बस मेरे भी
माइंड में, मैं पहले सारों के यू नो सॉन्ग वगैरह गा के एक दिन मेरे माइंड में कि यार जो लोग होते हैं वो भी हम हमारे ऐसे ही मतलब इंसान होते हैं जो कंपोज करते हैं वो लाइक फिर लिखते हैं, तो बस फिर ऐसे एक दिन एक माइंड में आया मेरे जो टोन आया और मैंने बस उसमें कुछ सैड वर्डिंग डाल दी और बस ऐसे ही बातें चलती रहेंगी हमारी। हाउ अबाउट इफ यू लिसन टू वन सॉन्ग बाय हारून? ओह यस, आई वुड लव दैट बिकॉज़ हारून के बाद मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई वाज सो इंस्पायर्ड जो पहली दफा हारून से जो है वो मैं मिली थी और व्यूअर्स आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव हिज वॉइस एज वेल। इतनी अच्छी, आप इतने इंस्पायर्ड फील करते हैं बिकॉज हारून इवन दो मतलब वो इतने सिंपल और ही सो मॉडेस्ट ना, द फर्स्ट टाइम वी मेट इतने मॉडेस्ट, मैंने कहा ये अच्छा चले ठीक है, और व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज रियली ब्लेस्ड विद अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। सो व्यूअर्स लेट्स गो एंड चेक आउट हारून्स फर्स्ट परफॉर्मेंस, आई होप यू गाइस वुड लाइक इट। जी व्यूअर्स वेलकम बैक, आपने जो है वो एंजॉय किया हारून का सॉन्ग एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव थॉरली लव्ड इट। क्या ख्याल है उधर? आई एंजॉयड इट, और जैसा फातिमा गाने से पहले ही बात करी थी कि हारून इज वन ऑफ दो सिंगर्स जिनकी जो आवाज होती है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट, वंडरफुल परफॉर्मेंस यार। थैंक यू सो मच। और एक चीज व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, वकास से उनके साथ परफॉर्म कर रहे, वकास हमारे यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा होता है हमारे साथ हमारे शो का उसके अंदर भी हमारे साथ परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक ये तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया एंड मेसमराइजिंग वॉइस ऑफ मेरे ख्याल से हारून, तो वो तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया। अच्छा हारून, ये जो अभी आपने सॉन्ग परफॉर्म किया ये आपका फर्स्ट सॉन्ग? नहीं, ये मेरा जो थर्ड सॉन्ग था। अच्छा। मैं जब जो है गया यूके तो वहाँ लाइक पर्सनली मेरे को बंदा बहुत पसंद था आकाश सैम, मे बी आपने उसका गाना सुना हो जी लिया पी लिया के नाम से। या, या, या। सो लाइक मैं उनसे जाके मिला तो काफी हमारी अच्छी हो गया अंडरस्टैंडिंग। फिर ये सवाल गाना ठीक है मतलब इसकी ऑडियो बनी और फिर हमने पहले इससे पहले था माही देखी हमने की इतना ऑडियो, लेकिन ये गाना इतना अच्छा बन गया तो लाइक मुझे आकाश ने भी कहा नहीं यार पहले आकाश शाइम ने आपकी जो इसकी पहली वीडियो बनाई दैट वाज अगेन शॉट इन यूके बटरिंग राइट। ओके सो सितारा आप मुझे ये बताओ व्हाट डू यू वांट टू परस्यू एज योर करियर, सोचा है? आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड आई वांट टू गो इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दैट्स इंटरेस्टिंग, यू लाइक बायोलॉजी more or chemistry? Which, in fact, which one is your favorite subject? My favorite subject is chemistry. Okay. But since the world is facing so much problems in the field of biochemistry, I want to do it because they said that I like in chemistry, I like organic chemistry. Very interesting. And you want to pursue your studies in Pakistan? If I get a chance to, I'd love to. Yeah. But since there are so many age limits that if you're younger than 16 you can't go to university, if you're older than 50 you can't go to university. Yeah, so I'd like to do it in Pakistan but since I don't have a chance. Yeah, that's unfortunate. You might never know sitara, ho sakta hai ki ab ek aad aane wale saal mein ab hum itni jaldi jaldi se changes bhi to aa rahi hain aur Pakistan mein bhi to itni achhi achhi changes aa rahi hain, to ho sakta hai ki ye wali jo ek bondage humne khud se create kar di hui hai wo hat jaye aur agar hat gayi to exactly I wish that we don't resist change because when you cause change you lead, when you resist change you die. Yeah. And when you accept change you follow. Absolutely right. Oh, that is good. हारून अब आप मुझे ये बताओ यार, यू आर परसूइंग योर स्टडीज इन इंग्लैंड, इसके अलावा म्यूजिक भी वहीं पे कर रहे हो, यू प्लान टू कम बैक टू पाकिस्तान? यू शुड राइट? ऑब्वियसली, आई जस्ट लव माय कंट्री, इसलिए तो टिकट एक्सटेंड करा दिया। आगे से आगे हो रहा है ना, सही बात है। अच्छा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? मैंने लाइक अभी पर्सनली दो लाइक मतलब किए हैं ऑडियो एक वीडियो और मेरी जो पर्सनल पाइपलाइन में लाइक काफी सारे सॉन्ग ऐसे जो मैंने कंपोज किए हुए हैं एंड उनके और बेसिकली मैं खुद कंपोज भी करता हूँ खुद और मैं लाइक जो खुद ही लिखता हूँ और लाइक मैं कंपोज भी करता हूँ खुद, तो अभी हैं पाइपलाइन में थोड़े से काफी सारे मतलब हैं, तो आपको पता है बेसिकली साथ में मतलब यानी कि पढ़ाइयाँ भी बस है। अच्छा, एजुकेशन वाइज अब सितारा को मेरे ख्याल से वो थोड़ा मर्ज कराती हूँ आपकी तरफ, मुझे बताएं कि एजुकेशन वाइज आप किस साइड पे जाना जो है वो पसंद करेंगे? माय डैड वांट टू डू एसीजीए बेसिकली जो है म्यूजिक से उनको ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स को होता है अच्छा म्यूजिक कर पढ़ाई से इसका माइंड मैंने थोड़ा सा साइड हो जाएगा, बट अब जब आगे सब कुछ मैंने अपने आप को साथ साथ किया मैंने तो अब कहते हैं चलो नाउ दे आर ओके चलो म्यूजिक भी कर लो साथ साथ पढ़ाई भी, बट वो मेरे ये जरूर बोल रहे हैं कि साथ साथ पढ़ाई पहले ऑफ कोर्स ये मतलब थोड़ा सा दैट इज ऑलवेज अ पेरेंट्स एंड शुड बी। तो सितारा टेल अस अबाउट योर स्कूल, आपका स्कूल कौन सा था, किस सिटी में था, हाउ वाज योर टीचर्स? I am a private candidate and I don't go to any school. Okay. But I have such teachers that I know what I want to do. Mm-hmm.
and my teachers are like my university. Okay. So I'm much better off than a guy who is in a university and doesn't know what he wants to do. Okay. Like my teacher, Ma'am Farzana. Mm-hmm. She called me the day I had my biology exam, even though she's my chemistry teacher. Okay. So there are teachers who care. Yeah. Like, I also have this teacher who taught me English when I was 5. Okay. Mr. Safir Ahmed Khan. Okay. And he was like a university to me. Hmm. And he never asked me age limit or whatever. He just taught me there. Okay, that's very good. Zabardast. वैसे teachers का कितना impact होता है ना? और वैसे भी हमारी society के अंदर मेरे ख्याल से everybody would agree with me कि जहाँ पे role आपके parents का होता है उसके बाद जो है वो आपके teachers कितना अहम role play करते हैं. Absolutely. So, Fatma, I think now let's move to another song. Of course. About that. Yes, I was waiting for that. Okay, great. I think viewers, आप लोगों ने हारून का पहला गाना तो सुना था और आप लोगों को पसंद आया होगा. And it's time for us to move to a second song by Harun. I hope you guys would like it. उन्हें टीबी है तो उन्होंने बिल्कुल टेंशन नहीं ली. आखिर क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि टीबी काबिले इलाज है. तशखीस और इलाज भी करीबी मरकज़े सेहत पर मुफ्त दस्तियाब है. अच्छा, यानी सिर्फ 6 माह तक बिला नागा मुफ्त और मैरी दवाओं का इस्तेमाल और टीबी से मिले मुकम्मल छुटकारा. तो पता चला अगर टीबी हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी. इस निशान वाले तमाम मराकज़े सेहत और प्राइवेट क्लिनिक्स पर टीबी की मुफ्त तशखीस और इलाज की सहूलत दस्तियाब है. Alright, viewers, you listen to the second song by Harun, jiska naam tha Mahide. Fatima, you can call it a Punjabi ballad, I think. It was very beautiful. Jo bhi tha, bahut hi soft sa and very tranquil song. Sabse achhi baat ye hai ki वैसे तो जो है वो आजकल बहुत ही वो डिशम धमाका टाइप के सॉन्ग्स आ रहे होते हैं एंड आई एम नॉट रियली इम्यून टू दोस अभी तक. सो वी लव्ड इट एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आया होगा. दिस वाज बाय द वे द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच हारून मेड माहिवे जो इन्होंने भी गाया है. सितारा, म्यूजिक सुनती हो व्हेनेवर यू गेट टाइम? या नहीं, इतना शौक नहीं है. I don't have such personal interest. Okay. And what you were talking about, ki aapka jo interest hai, that's in books, right? Yeah. Kis kisam ki, what sort of books do you like? I like fiction, non-fiction, adventure, whatever I can find. Mm-hmm. But it should be something that keeps me occupied. Occupied. So have fiction. You been able to find the best author up till now? Your favorite author? Yeah, because I'm like you're reading in different the childish people, age, yeah. So I like Annette Blyton the best. Who is your role model up till now? It's been Dr. Abdul Salam. Okay. Because he's the only Nobel Prize winner in Pakistan. So okay. I also want to bring a Nobel Prize for my country. Wow. Inshallah, you will. Inshallah. We're really, really hopeful and we look up to you. Kya baat hai. Young people like me and old people like Fatma, we look up to you that you'll bring the Nobel Prize in Pakistan. Okay, so Harun, mujhe batao, shuru mein bata rahe the aap mujhe ki family taraf se itna zyada supporting tha, but ab chal raha hai. अब ठीक है. वो कहते हैं मत जाने तो आप सुधरेगा तो जाने तो. अब बस मजबूरी का नाम शुक्रिया कर दिया उन्होंने. मेरे जो डैड अगर प्रोफेशनली ये शो देखेंगे तो और लगी चीज मुझे हां कि लुक एट सी एंड लुकिंग की ठीक है. लाइक मतलब आई अंडरस्टैंड. आप देखो सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक. बट प्रॉब्ली अगेन आई डोंट नो आई थिंक दैट्स योर पैशन एंड दैट्स योर पैशन. यू शुड फॉलो योर पैशन. या एग्जैक्टली. वी हैव बिग नेम्स इन म्यूजिक एज़ वेल इवन फ्रॉम पाकिस्तान. एंड फॉर योर एंडलेस नंबर लिस्ट्स. यू सी लाइक दिस शो इज नेम्ड टेक ऑफ. सो व्हेन यू टेक ऑफ लाइक इफ यू आर अ पायलट देयर इज सच अ बिग क्रू बिहाइंड यू एंड इफ दे गिव यू अ वेरी नाइस प्लेन एंड व्हाटएवर एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई इट. Like if it's not your passion, you can't do anything. So just try to follow your passion. Oh, that's very nice. हमने advice दी नहीं दी तो मेरे ख्याल से सितारा ने उनको. अलबत्त मैंने वो advice तरह सुन ली and I'm sure a girl who is 12 years old has cleared her O-level exam. तो वो जो advice दे रही है that has to be implemented. तो मैंने सुन लिया. Thank you Sitara for that. तो Fatima, I think let's move to the next song, last song. Of course, why not? बिल्कुल. और last song थोड़ा सा introduction बताएँ ना हारून की क्या है song. Is it a cover your own song? ये क्या? Yeah, ये जो last song जो मैं काफी मतलब था जो छोटा सा था तो लेकिन नाजिया हसन का एक मैं सॉन्ग काफी कहता दिल की ऑल टाइम फेवरेट. या यानी कोई दिल की लगी और मैं आपको ये सुना दिल की लगी. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फातिमा. सो व्यूअर्स लेट्स गो एंड लिसन टू हारून्स दिल की लगी. नॉट एग्जैक्टली हारून्स बट हारून्स परफॉर्मिंग दिल की लगी. एंड बिफोर वी गो आपको ये बता दें व्यूअर्स के आप
if you want to send an email or if you want to contact us, hamare jo email addresses hain wo aapki screen ke upar aa rahe honge, wahan se aap jo hai wo hamara Facebook page bhi jo hai wo join kar sakte hain, Twitter ko bhi follow kar sakte hain aur uske sath sath hame email bhi kar sakte hain, and we would definitely be looking forward for your emails. And Fatima, main ek aur cheez add karta chalun ke in the emails of course you can criticize us, aap hame bata sakte hain how we can improve, but if you have some talent and you want to be seated here, do send us your samples if you're a good singer or whatever you do. Send us your samples and God knows you'll be the next participant in the show. So from my side and Fatima's side, bahut shukriya, aapne aaj hamara show dekha. Allah Hafiz. Take good care of yourself. Take care. Allah Hafiz. से दुआ है दो दिल जुदा ना